यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कड़ा रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है। उपमंडल सदर की बात करें तो बीते एक महीने में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर 15 चालकों के लाइसेंस 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। इस बात की जानकारी एसटीएम सदर डॉक्टर मदन कुमार ने दी। जिन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं उनमें वह चालक शामिल है जो गाड़ी चलाते वक्त या तो मोबाइल पर बात कर रहे थे या फिर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। साथ ही कुछ लाइसेंस उनके भी रद्द हुए हैं जो रफ्तार के शौकीन बनकर गाड़ियों को हवा में उड़ा रहे थे। पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के चालान काटने के बाद उनके लाइसेंस एसटीएम सदर के पास जमा करवाए गए, जहां से इन सभी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। लेकिन जब कोई संतोषजनक जवाब इनकी तरफ से नहीं आया तो फिर एसटीएम सदर ने कार्रवाई करते हुए इनके लाइसेंस 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए। एसटीएम सदर डॉक्टर मदन कुमार ने बताया कि सस्पेंड किए गए लाइसेंस धारकों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर भविष्य में फिर से उस गलती को दोहराया गया तो लाइसेंस उम्र भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। 3 महीने के लिए मिनिमम इनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ ही मैं ऑर्डर में ये उनको चेतावनी भी दी है कि अगर उन्होंने दोबारा ऑफेंस जो है ये जो मोटर व्हीकल एक्ट में है दोबारा अगर उन्होंने रिपीट किया तो उनके जो है लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगा। और यहाँ ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो सारे हमारे लाइसेंसिंग है सारथी के थ्रू वो इंडिया में सारे लाइसेंसिंग ऑनलाइन है, कि अगर लाइसेंस कहीं सस्पेंड हुआ हो या कैंसिल हुआ हो तो उसकी एंट्री जो है सॉफ्टवेयर में भी होती है, और अगर लाइसेंस हमेशा के लिए किसी का लाइसेंस अगर रद्द किया जाता है तो वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी लाइसेंस जो है बना नहीं पाएगा और कभी भी वो गाड़ी वो है चला नहीं पाएगा। उन्होंने बताया कि अब देश भर में लाइसेंस एक ही सॉफ्टवेयर से बनता है, और अगर एक बार लाइसेंस उम्र भर के लिए सस्पेंड हो गया तो फिर वह चालक देश में कहीं पर भी ना तो अपना लाइसेंस बनवा सकेगा और ना ही कभी वाहन चला सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।